हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनुज बंसल। वेलकम टू कड़वाली ट्यूटोरियल कॉर्नर। होपफुली आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज एक नया चैप्टर नई एनर्जी के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ये जो चैप्टर है इस चैप्टर को मैं आपकी पूरी की पूरी मैथ्स में अप्लाई करने वाला हूं। अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो ये जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर? डाइविजिबिलिटी। यह चैप्टर मैं आपके पूरे की पूरी मैथ्स में अप्लाई करूंगा। और यह जो रूल है, डाइविजिबिलिटी रूल, यह अपने आप में एक खजाना है। पूरी की पूरी मैथ्स में आपके पास एक खजाना मिलने वाला है। तो आइए इसके रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह एक ऐसा टॉपिक है, ये डाइविजिबिलिटी ऑफ रूल ऐसा टॉपिक है जो आपका कोई भी चैप्टर हो, आपका मैथ्स का, चाहे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे आपका डिस्टेंस हो, चाहे आपका टाइम एंड वर्क हो, चाहे आपका परसेंटेज हो, कोई भी चैप्टर हो आपका, हर एक चैप्टर में हम इसको अप्लाई करने वाले हैं। तो आइए आपको मैं आसान तरीके से समझाऊंगा कि कैसे हम इसके रूल्स को अप्लाई करने वाले हैं किसी क्वेश्चन में। अब बात करते हैं इसके रूल्स के बारे में। इसके जो रूल्स हैं, हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। आज हमारा पहला पार्ट है आज हमारा पहला पार्ट है वो है 2, 4, 8 और 16 की विभाज्यता। 16 की विभाज्यता के नियम। अब हम बात करने वाले हैं जो दो नंबर कैसे किसी बड़ी से बड़ी संख्या को डिवाइड या डिविजिबल करता है। इसके लिए हमारे पास एक रूल है, वो है 2 से विभाज्यता। यह जो नियम कहता है कि अंतिम एक अंक अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। क्या? अंतिम अंक 2 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? क्या कहता है कि लास्ट जो डिजिट है, हमने पूरी संख्या नहीं देखनी है, हमने सिर्फ क्या देखनी है, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिविजिबल है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से डिविजिबल होगी। सेकंड जो रूल है हमारे पास वो है 4 से विभाज्यता। चार से विभाज्यता का जो नियम है, यह नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 4 से डिविजिबल हैं
तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे क्या बताया आपको, अंतिम अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। क्या कहा कि लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। क्या कहा, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 4। अगला जो रूल है हमारे पास वो है 8 से विभाज्यता, 8 से विभाज्यता। चिंता ना करें, आपको एग्जाम्पल भी समझाऊंगा मैं कि कैसे इसके एग्जाम्पल है, वो आपको बाद में कराऊंगा, पहले इनको समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे उस क्वेश्चन में कि कैसे हम देखते ही बिना पेन उठाए किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना हवा में नहीं होता है। कब होता है, जब आपको ये रूल पता हो। क्या हो, जब आपको ये रूल पता हो तब ही आप देखते ही उस क्वेश्चन को बता पाएंगे कि किस संख्या से यह डिविजिबल हो पाएगी। 8 से विभाज्यता के नियम जो कहता है कि अंतिम अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने चाहिए, क्या कहा आपको कि लास्ट 3 डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 8। अगर अंतिम के 3 अंक अगर 8 से पूर्णतया विभाजित हो रहे हैं तो वह पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अगला जो रूल है हमारे पास वो है 16 से विभाज्यता या विभाज्यता। इसका नियम क्या कहता है कि जब आपने पढ़ा कि अंतिम 1 अंक अगर 2 से विभाजित होता है तो पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। सेकंड रूल है अंतिम 2 अंक, 4 के लिए क्या था, अंतिम 2 अंक 4 से अगर विभाजित है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। अब आप बता सकते हैं कि कैसे इस वाले रूल में हम फॉलो कर सकते हैं, कैसे अंतिम लास्ट डिजिट अंतिम अंतिम 4 डिजिट 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से विभाजित होने चाहिए। क्या कहता है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 16। क्या, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय, क्या है, लास्ट 4 डिजिट डिविजिबल बाय 16। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। इसके जो एग्जाम्पल हैं आइए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से इन रूलों को कैसे हम फॉलो कर सकते हैं किसी बड़ी से बड़ी संख्या को हल करने में या सॉल्व करने में, उसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूं कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आइए जानते हैं। सपोज ये कोई संख्या है हमारे पास, सपोज
ये कोई संख्या है हमारे पास। हमारा जो पहला रूल है, क्या कहता है, अंतिम अंक दो से विभाजित होना चाहिए। तो हमारा अंतिम अंक क्या है, छह है। तो क्या छह दो से डिविजिबल है या नहीं? बिल्कुल है। थ्री टाइम्स दो पूरी तरीके से छह को डिविजिबल कर रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा दो का विभाज्यता का जो नियम है वह इस पूरी की पूरी संख्या को डिविजिबल कर लेगा। जी हां, हम यस और नो में ही जवाब देंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, रूल्स हैं, और इसकी सहायता से हम बड़ी से बड़ी संख्या को भी सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड थिंग है हमारे पास, सेकंड जो एग्जांपल है वो है चार से विभाज्यता का नियम। चार का विभाज्यता का नियम क्या कहता है हमारे पास, वो कहता है कि अंतिम दो अंक चार से विभाजित होने चाहिए। लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर। अगर लास्ट के दो अंक अगर चार को डिविजिबल कर रहे हैं तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या कर लेगी, इसको विभाजित कर लेगी। अब आइए इसको कैसे करेंगे, चार कम चार एक बचा, चार चक्कू सोलह, तो चौदह बार यह इसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है। चौदह बार चार छप्पन को डिवाइड कर पा रहा है, डिविजिबल कर पा रहा है। तो इसका मतलब यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, चार से भी डिविजिबल होगी। क्या होगी, चार से भी डिविजिबल होगी। अगला जो रूल है हमारे पास वो है आठ से विभाज्यता का नियम। क्या कहता है, लास्ट थ्री डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय एट। अगर लास्ट के तीन अंक अगर आठ से पूर्णतः विभाजित हैं तो यह पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, आठ से विभाजित होगी। कौन से तीन डिजिट, लास्ट के थ्री डिजिट क्या है, फोर फाइव सिक्स। अगर हम इसको आठ से डिविजिबल करते हैं तो क्या यह संख्या आठ से डिविजिबल है या नहीं, इसको पता करते हैं। आठ पंजे चालीस, आठ सत्ते छप्पन, 57 टाइम्स ये जो संख्या है आठ से पूर्णतया विभाजित हो रही है। तो इसका मतलब यह संख्या भी क्या है, पूरी की पूरी संख्या आठ से डिविजिबल होगी। अंतिम जो एग्जाम्पल है वो कहता है यदि लास्ट फोर डिजिट क्या है हमारे पास, फोर डिजिट है हमारे पास एट फोर फाइव सिक्स, क्या यह 16 से पूर्णतया विभाजित है या नहीं। देखते हैं, 16 पंजे 80, चार बचा, 16 दुनी 32, 16 अट्ठा, तो इसमें शेषफल कितना बच रहा, 8 बच रहा। इसमें क्या बच रहा, शेषफल 8 बच रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या 16 जो नंबर है वो इस संख्या को पूर्णतया विभाजित नहीं करेगा। यह जो संख्या है इस संख्या को पूर्णतया विभाजित नहीं कर पा रहा, क्योंकि लास्ट में हमारे पास शेषफल क्या बच रहा है, 8। इसका मतलब यह जो संख्या है 16 से पूर्णतया विभाजित नहीं है, मतलब पूरी की पूरी संख्या भी इससे किससे, 16 से पूर्णतया विभाजित नहीं हो पाएगी। यह जो हमारे पास डिविजिबिलिटी के रूल हैं इसको अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि यह जो रूल है हमारे पास यह पूरी की पूरी मैथ्स में अप्लाई होने वाले हैं, और इनकी सहायता से आप
आसानी से किसी बड़े से बड़े कैलकुलेशन को इतनी सी बना सकते हैं, क्या इतनी सी बना सकते हैं किसी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन को। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। अगला जो टॉपिक रहेगा हमारा पार्ट टू रहेगा, जिसमें हम इनके अतिरिक्त और कौन कौन से डिविजिबिलिटी के रूल हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो धन्यवाद, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें, और जिससे हमें और भी कॉन्फिडेंस मिले कि जिससे हम आपको और भी इजी से इजी वे में आपको ट्रिक के माध्यम से किसी क्वेश्चन को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऐसा ही आप प्यार देते रहें, और प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।